दोस्तों, अगर आपको भी सीखना कुछ इस प्रकार का फोटो एडिटिंग तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। बहुत भाई को प्रॉब्लम आ रही कि बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो रहा है और कुछ इस प्रकार का फेस स्मूथ नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। लेटेस्ट वीडियो है बिल्कुल, इसके अंदर आपको फेस स्मूथ, बैकग्राउंड को ब्लर करना और ब्लूटूथ सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। सबसे पहले आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेना है एंड अपनी नॉर्मल सी फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब आपको यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सबसे पहले 0.10 एक्सपोर्ट्स आपको बढ़ा देना है। कॉन्ट्रास्ट को आपको 8% रखना है, हाईलाइट को आपको यहाँ पर 32% माइनस कर देना है, शेडो को आपको यहाँ पर 20% प्लस में रख देना है, वाइट्स को आपको 30% माइनस कर देना है और यहाँ से आपको ब्लैक को 11% रख देना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ कर लेनी है अपनी फ़ोटो में। अब आपको यहाँ से कलर पर जाना है, यहाँ से आपको टेम्परेचर को 14% और टिंट को यहाँ पर आपको 6% रख देना है। अब आपको ऊपर मिक्स टूल का आइकन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको रेड कलर का जो सैचुरेशन है उसको 22% रख देना है। अब आपको ऑरेंज पे जाना है जो कि आपका फेस कलर है, तो सैचुरेशन को माइनस करेंगे यहाँ पर और लूमिनस को आपको बढ़ा देना है। आप जितना बढ़ाओगे आपका फेस यहाँ पर वाइट हो जाएगा, फोटो अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। येलो का यू और सैचुरेशन दोनों आपको 100% माइनस कर देना है। यहाँ से आपको ग्रीन का भी सैचुरेशन माइनस कर देना है 100%। अब आपको जो भी लास्ट के चार कलर हैं उनका आपको सैचुरेशन यहाँ पर माइनस कर देना है 100%। और प्रीसेट अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना होगा, मैं आपको फ्री में ये प्रीसेट भी दे दूंगा। अब आपको यहाँ से डन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऊपर एक ग्रेडिंग का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर शेडो वाले ऑप्शन पे जाना है सबसे पहले आपको, और इसके यू को आप देख लो स्क्रीन पे, मैंने इसको रख दिया 250% और सैचुरेशन को 15% यहाँ पर आपको रख देना है। सेम आपको मिड टून पे जाना है और सेम आपको मिड टून का भी रख देना है पर सैचुरेशन आपको 10% रख देना है। लूमिनस को आपको बढ़ा लेना है, जो स्क्रीन पर यहाँ पर रख रहा हूँ वो आपको भी अपनी फ़ोटो में अच्छे तरीके से यहाँ पर रख लेना है। तो देख सकते हो इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। ब्लेंडिंग आपको नीचे मिल जाएगा, तो ब्लेंडिंग को हल्का सा बढ़ा लेंगे और बैलेंस को यहाँ पर माइनस कर लेंगे। अब आपको नेक्स्ट कर रहा है यहाँ हाईलाइट है जो, तो हाईलाइट को आपको ओपन करना है इसका, और इसके आपको यू पे चले जाना है और इसके बाद जो इसका सैचुरेशन है उसको आपको यहाँ पर 20% के करीब या 18% आपको रख लेना है। अब आपको यहाँ से ग्लोबल पर क्लिक कर देना है और इसका ग्लोबल का यू आप देख लो स्क्रीन पर एंड इसके बाद जो इसका सैचुरेशन उसको आपको 10% यहाँ पर रख देना है। इसके बाद आपको यहाँ से इसको डन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको बैकग्राउंड प्रॉब्लम आ रही है, ब्लर नहीं हो रहा है, तो देख सकते हो एक नया ऑप्शन आया है ये वाला लाइटरूम में, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अगर लाइटरूम चाहिए तो वीडियो को पूरा एंड तक आपको देखना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हो आपको AI का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर रिटच का और बैकग्राउंड का, तो आपको जो भी चीज़ करना है वो आप देख लेना। तो यहाँ से सबसे पहले मैं फेस को स्मूथ करूँगा, हेयर को अच्छे तरीके से करूँगा, तो रिटच पे आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे आप वेट करोगे आपका यहाँ पर नेट एक ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। अब आपको यहाँ पर चार ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले आइज़ का मिलेगा, इसको आपको इन्हेंस कर लेना है, तो आपकी आइज़ बिल्कुल HD में यहाँ पर हो जाएगी। अब आपको स्किन मिल जाएगा, इसको आपको यहाँ पर 100% रख देना है। अब आपको यहाँ पर हेयर का मिल जाएगा, अगर आपको हेयर को HD करना है तो आप देख लेना आपको इसको कितना रखना है, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं तो नॉर्मल ही रखूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो एक कपड़े का ऑप्शन मिल जाएगा क्लोथिंग सा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको यहाँ पर मैं 0% रख देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ से इसको कर देना है डन पे क्लिक। अगर आप इसको फुल कर दोगे तो आपके कपड़ों पे कलर्स आ जाएगा, तो वो सही नहीं लगेगा, इसलिए इसके इनहेंस को आपको 0% रख देना है। अब आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से चले जाना बैकग्राउंड पे, देख सकते हो, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। बहुत भाइयों के वीडियो देखे होगी आपको ब्लर वाले ऑप्शन से सिखाते हैं, यहाँ पर मैं आज आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन से सिखा देता हूँ। आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन डाउनलोड होंगे, तो यहाँ से आपको एक मिल जाएगा बबल वाला ऑप्शन, देख सकते हो स्क्रीन पे, इसको आपको सेलेक्ट करना है और अमाउंट को यहाँ पर 100% रख देना है। जैसे ही आप 100% रख दोगे आपका बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से इफेक्ट पे चले जाना है, टेक्सचर को 10%, क्लैरिटी को आपको 10% और डेज को भी आपको 10% रख देना है। यहाँ से आपको विजनेट पे चले जाना है,
विजनेट को आपको यहाँ से माइनस कर लेना है कुछ 40% के करीब, मिड पॉइंट को आपको बढ़ा लेना है कुछ 80% और फेदर को यहाँ पर 100% आपको रख देना है। अब आपको यहाँ से चले जाना है डिटेल वाले ऑप्शन पे, यहाँ से आपको शार्पनिंग को बढ़ा लेना है, तो मैं इसको यहाँ पर 50% के करीब रख देता हूँ और आपका फोटो देख सकते हो यहाँ पर तैयार हो गया बिल्कुल, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। और जूम करके भी दिखा देता हूँ, फेस स्मूथ बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया है यहाँ पर। और प्रीसेट अगर आपको चाहिए और लाइट रूम चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चले जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, प्रीसेट भी दे दूंगा और लाइट रूम भी जाके डाउनलोड कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है।